हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में आज फिर से। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों आपके लिए आज मैं एक और एक वीडियो लाया हूँ ऑन कार एक्सेसरीज, जहाँ पे आपने कहा था कि और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाओ। तो क्योंकि पिछले बार वाला टायर इन्फ्लेटर जो हमने आपके लिए कवर किया था आपको नहीं पसंद आया था, मैं एक्चुअली वो लेके भी आया हूँ अपने साथ। इट इज़ द MI टायर इन्फ्लेटर जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया था, हमने कहा एकदम बकवास है, तो उसकी जगह हम एक और एक नया लाए हैं। ये अमेजोन वाला है, इट्स कॉल्ड सॉलिमो और ये टायर इन्फ्लेटर ऑटोमोटिव इस पर लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल बैजिंग है, 1600 रुपए का है, तो ये हमें काफ़ी सस्ता लगा एंड बिकॉज इट वाज अमेजोन ब्रांडेड तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करके देखें क्या ये अच्छा है या नहीं। इस पे जो डिटेल्स दी हुई है बहुत ज़्यादा नहीं दी हुई है, इस पे MRP तो 3000 रुपये का लिखा हुआ है, पर इसको 1600 में मिल रहा है ऑन अमेज़ॉन राइट नाउ। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो एक क्लाउड टेल इंडिया ब्ला 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 इम्पोर्टेड बाय कोई कंपनी का नाम लिखा है, तो इम्पोर्ट किया गया है, ये लोकली नहीं बन रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिया में बनाया गया तो इंडिया में नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस पे क्लियरली लिखा हुआ है इट इज़ इम्पोर्टेड बाय somebody। कहाँ पे बना हुआ है वो देखना पड़ेगा अगर कुछ मैंशनड है यहाँ पे। पहले इसका ब्रोशर देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस है इसमें अबाउट कैसे चलता है ये डिवाइस, बट इट डज़ नॉट से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के कौन से देश में बनाया गया, सिर्फ इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। ओके, सो ये रहा ये डिवाइस। अगर आप इसको देखते हो, डिसेंट इनफ इन साइज, नॉट वेरी बिग इन साइज, नॉट वेरी स्मॉल इन साइज। इसको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जो नॉजल है बेसिकली, जहाँ पे आपका टायर जाके कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया हुआ है बेसिकली, अगर मैं इसको निकालूँ तो ये जो आपको एयर चेंज निकालने के लिए, अगर आपका जो पॉइंट है जिस पे आप लगाना चाहते हो अलग शेप का है तो उसके लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे। एंड ये रही आपकी वायर, बेसिकली ये वायर है जो आपके चार्जिंग पॉइंट में जाती है इन द कार। सो वायर काफ़ी लंबी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्वालिटी इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट, डिसेंट है, चल जाएगा। 1600 रुपये में प्राइस काफ़ी अच्छी है। पीछे यहाँ पे और डिटेल्स दी हुई है। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ मेड इन चाइना, इट इज़ क्लियरली मैंशनड ओवर हियर। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, DC 80 वॉट है। तो ये है वो टायर इन्फ्लेटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक और एक चाइनीज़ ही निकला है। अब एक मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मोस्टली जो इंडियन ब्रांड्स भी हैं फिलहाल वो फिर भी चाइना से ही इम्पोर्ट कर रहे हैं अभी भी, सो दैट्स अ रियली सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी जो ट्रू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ अपना स्टिकर लगाते, जैसे क्या आता है लावा आता है मोबाइल फ़ोन फॉर इंस्टेंस, सारा फ़ोन बाहर से इंपोर्ट होता है, माइक्रोमैक्स बाहर से पूरा फ़ोन आता है, सिर्फ बैजिंग चेंज होके इंडिया में बेचते। तो ये ऐसी चीज़ टायर इन्फ्लेटर ब्रांड्स भी करते हैं। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप इसको देखेंगे तो लेट मी जस्ट स्विच ऑन द कार टू सी के कैसे चलता है ये। फेयर इनफ, तो अब चालू हो गई गाड़ी एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक लाइट है, तो ये लाइट वाइट लाइट जल रही है। अगर मैं एक बार बल्ब को प्रेस करूँ तो रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, और एक बार प्रेस करूँ तो लाइट और ज़्यादा ब्लिंक हो रही है, और अब बंद हो गई। सो तीन मोड्स है लाइट के। आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग टू हैव, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए रात को बंद हो गई एंड यू वांट टू प्रिकॉशन somebody, तो ये रेड लाइट एक अच्छा ऑप्शन है। और वाइट लाइट से अगर आपको कहीं कुछ देख के अंधेरा रहता है तो आपको ये लगाने को पता नहीं चलता कैसे लगाऊं मैं इसको, सो इस वजह से आई थिंक ये लाइट अच्छा ऑप्शन है। आपके पास ये बटन है जिससे आप प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस है जिससे आप प्रेशर चेंज कर सकते हैं, और M एक बटन है जो आप बेसिकली टाइप चेंज कर सकते हैं, PSI बार या KPA। तो हम लोग PSI में ही यूज़ करते हैं इंडिया में, तो आपको कनेक्ट करने में इजी होगा कि 30, 32, 34 जो नंबर्स है वो PSI के। तो गाड़ी वही लाया हूँ मैं जो लास्ट टाइम Xiaomi वाले वीडियो में लाया था। तो Xiaomi का अगर आपको वीडियो देखना है, फिर इंटरेस्टेड इन समथिंग पोर्टेबल बट नॉट समथिंग ग्रेट, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लिंक में छोड़ रहा हूँ, बट दिस इज़ द वन विच इज़ Amazon रिकमेंडेड, तो मैं इसको भी टेस्ट करके बताऊँगा। गाड़ी का फिलहाल जो दिखा रहा है यहाँ पे ऑन द मीटर इज़ 18 का प्रेशर, इसको मुझे 34 बनाना है, तो देखेंगे कितने समय में ये 34 करता है। सो लेट्स गो एंड सी कि कितने टाइम में 34 करता है फ्रॉम 18। सो फॉर दैट आई जस्ट स्टार्ट द कार एंड वी विल हेड ऑन। तो अभी इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा, ये कनेक्ट हो गया, 16.5 का यहाँ PSI प्रेशर दिखा रहा है, और मैं
यहाँ पे अपने फ़ोन पे भी इसको स्टार्ट कर दूंगा अभी। ओके सो इसको मैं प्रेशर बढ़ा के 34 करता हूँ, 35 रख देता हूँ। ओके एंड यो वी स्टार्ट। प्रेशर ऑलरेडी 21.5 हो गया है इन 27 सेकेंड, यानी कि 3 का प्रेशर बढ़ गया इन लेस देन 30 सेकेंड। ऑलरेडी 23 हो गया है, 24.5 इन 1 मिनट, 26, 27, 27.5, 28 इन लेस देन 2 मिनट, और ये 29 भी हो गया। हवा छोड़ रहा है यहाँ से वो गर्म, बट इट्स नॉट गेटिंग हॉट, नहीं गर्म नहीं हुआ है। 30 हो गया प्रेशर ऑलरेडी, 35 हो गया इन 3 मिनट 20 सेकेंड्स। मैंने थोड़ा 8 सेकेंड लेट बंद किया इसको, और ये अपने आप कट ऑफ हुआ इसमें। सो इट्स टाइम टू रिमूव दिस। तो ये था आज का वीडियो ऑन द सोलिमो टायर इन्फ्लेटर, गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। हाँ, जिनका सवाल ये उठता है कि ये इंडिया का है या चाइना का है, तो ये प्रोडक्ट चाइनीज़ है। अब आप में से काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, वो ट्राई करो। हम सब चीज़ें ट्राई डेफिनेटली करेंगे, लेकिन द हार्श रियलिटी इज़ दैट कि भले ही ब्रांड इंडियन है, मोस्ट ऑफ देम स्टिल इम्पोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना और उसे सिर्फ रीबैज करके बेच रहे हैं। सो दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी फॉर मोस्ट ऑफ द टायर इन्फ्लेटर्स जो आज के तारीख में इंडियन मार्केट में आते हैं। और अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक टायर इन्फ्लेटर है जिसपे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, तो प्लीज़ मुझे बताना। वरना इफ़ यू हैव टू बाय वन टायर इन्फ्लेटर, मेरे हिसाब से 1600 रुपये में ये वर्थ है फॉर योर मनी। इफ़ यू थिंक यू वॉन्ट टू बाय एन इंडियन प्रोडक्ट, सॉरी गाइस, फिलहाल कोई नहीं है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रमोट इट, पर फिलहाल कोई इंडियन प्रोडक्ट है नहीं। इसने टोटल टाइम From 18 to 34 जो टाइम लगा, 35 जो था टू फिल एयर, वॉज अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट 22 सेकेंड्स, जो बहुत सही है। कुड बी फास्टर, पर 17 इंच का टायर है इस गाड़ी का, तो उस हिसाब से ज़्यादा लगा। नॉर्मली अगर आपकी छोटी गाड़ी है थोड़ी और अंडर दिस प्राइस पॉइंट से 10-15 लाख रुपीज़ की, जो 12 से 15 इंच के बीच में टायर रहता है, तो वो और कम समय लगेगा टू फिल एयर, मे बी 2 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, 2-2.5 मिनट्स। तो मैं आपके लिए लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, इफ़ यू आर कीन टू बाय समथिंग। ये सबसे सस्ता टायर इन्फ्लेटर है और तेज़ी से भर भी लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, डेफिनेटली हमें बताइए इफ़ यू नो एनी मोर टायर इन्फ्लेटर्स दैट वी कैन कवर फॉर यू। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, गो राइट अवे एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, वरना आप मिस करें काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुँचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। हमने वेन्यू IMT का एक वीडियो बनाया है, डू गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो, यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इट। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो, टेक केयर, सी यू टुमारो।